जांजगीर चांपा जिला के पामगढ़ तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत भैंसों में बने धान खरीदी केंद्र में धान बेचने के लिए किसानों को पैसा देना पड़ रहा है। यहां धान खरीदी केंद्र में काम करने वाले कर्मचारी बेखौफ होकर खुलेआम किसानों से पैसा मांग रहे हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से कर्मचारी किसानों से पैसा ले रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आला अधिकारियों तक शिकायत भी किया जा चुका है, पर अभी तक न तो जांच हुई है और न ही कार्यवाही हुई है। इसे साफ जाहिर होता है कि उच्च अधिकारियों तक चढ़ावे की रकम पहुंच रही है। शासन की मंसूबा है कि किसानों को धान के बदले अच्छी खासी पैसा मिल सके। इसके लिए राजीव गांधी न्याय योजना के तहत बोनस भी दिया जा रहा है, पर मंडी कर्मचारियों की ऐसी हरकत शासन को बदनाम करने पर उतारू है। गरीब किसान मजबूरीवश या फिर डर की वजह से इन बिचौलियों को रिश्वत देने के लिए विवश है। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से किसानों से धान मंडी केंद्र के कर्मचारी पैसों की मांग कर रहे हैं और पैसे लेकर के अपने अपने पॉकेट में डाल रहे हैं। ले दे छोटू भाई, आवाक करना का आवाक। हाँ भाई, ले भाई के जा, ले जा जा भाई के। पांच कम से कम कर ना। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।